गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र में घाघरा नदी पर बने भिकारीपुर सकरोर बांध में चार दिन पहले ही दरार आ गई थी और बांध का कुछ हिस्सा नदी में समा गया था। बांध के कटने की आशंका पहले ही जताई जा रही थी और जिसके बाद डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने संज्ञान लेते हुए रात में मौके का निरीक्षण किया था और बाढ़ खंड के अफसरों को फटकार लगाते हुए बांध को बचाने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन अफसरों की लापरवाही भारी पड़ गई और घाघरा के उफनाती नहरों के सामने भिकारीपुर सकरोर बांध ताश के पत्तों की तरह भरभराकर नदी में समा गया। बांध का करीब 50 मीटर हिस्सा कट गया और अब घाघरा की धारा गांव की तरफ मुड़ गई है। बिसुनपुरा गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया है और यहां के ग्रामीण पलायन में जुट गए हैं। बांध कटने से यहां के सैकड़ों गाँव में दहशत का माहौल है। भिखारीपुर सकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था नदी का बहाव तेज होने की वजह से वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है, तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं जिसमें कि 162 लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उन सभी को जिसको भी ज़रूरत होगी राहत के पैकेट दिए जाएंगे, उसके अतिरिक्त उनको जो खाद्य सामग्री है वो भी दी जाएगी और अभी हमारी कोशिश ये है कि आगे जो हम एक ठोकर बनाते हुए एक रिंग बंद तरीके का बनाते हुए इसको आगे आबादी क्षेत्र में जाने से रोकने का हमारा प्रयास है और आगे जो हमारे अनुमान है उसमें यह है कि पानी का बहाव आगे आने वाले समय जो पानी का गौज है वो नीचे होगा, इससे कटान भी रुकेगी और उसके अतिरिक्त हमारा जो पानी आगे बढ़ने से उसमें भी रोका होगा। सर अभी तक कितने मजरे प्रभावित हुए हैं इस कटान से? देखिए अभी तक जो पानी है वो आबादी में नहीं पहुंचा है, धीरे धीरे करके वो आबादी में पहुंचने की एली परसौली का जो हमारा ग्राम पंचायत का एक मजरा है बिशुनपुरवा उसमें पानी जाना उसके खेतों में शुरू हुआ है, उसके जो गन्ने के खेत हैं उसमें पानी पहुंचा है। हमारी कोशिश ये है कि आबादी में कहीं भी इसका प्रभाव ना हो पर एहतियातन वहाँ की जो आबादी है जो मैंने पहले बताया 42 परिवार और उसमें 162 लोग उनको हम शिफ्ट करा रहे हैं और उनको हर संभव जो सहायता है राहत सामग्री समेत उनको मिल जाए। सर कहीं ना कहीं ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बाढ़ खंड वाला द्वारा कार्य सही से नहीं कराया गया, इस वजह से बांध कट गया, इस पे क्या कहना सर? देखिए ये बाद में जांच का विषय है, परंतु जैसे आप जानते हैं पिछले 3 दिन पहले भी बांध पे कटान हो रही थी और दिन रात लगातार मेहनत करते हुए उस बंदे को फिर से रोका गया था, इसमें सेटबैक बनाया गया था। हमारा प्रयास अब भी यही है कि आबादी में कोई प्रभाव ना हो और कम से कम क्षति हो। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि सभी लोगों को हम राहत सामग्री पहुँचा सकें, उसके अतिरिक्त किसी को भी जनहानि या पशु हानि होने से हम बचा सकें।